अभी परीक्षा पास के लिए बनी, पहले ट्रेनिंग हुई, फिर कोना कोना गांव में पोस्टिंग हो जाई। गांव में? हाँ। गांव? गांव? अंजलि परेशान का है उराल बाड़ू, तो के तो खुश होके के चाहिए, इतना अच्छा नौकरी लागल बा। अरे इतना कोनो खुशी के बात देखे कि हम पूरे घर में नाची। ये तोहरा खातिर बड़का नौकरी हुई, हमरे खातिर ना। हम तो सोचले रहे हमार हस्बैंड डीएम एसडीएम होई, बन गईली लेखपाल। ये कोनो नौकरी हा? आज के युग में नौकरी मिलल कितना मुश्किल बा, ये सब तोहरे भाग से मिलल बा। हमरा भाग्य में बड़ बड़ सपना रहे ये लेखपाल की नौकरी ना। देखा अमित, ये तोहरा लेखपाल के नौकरी तोहरा भाग्य से मिलल बा, हमरे भाग्य से ना। और हम तोहरा खातिर अपन सपना छोट ना करब। देखा अमित, हम नहीं चाहत कि हमार हस्बैंड एगो छोट मोट के नौकरी करे। ये नौकरी के छोड़ दा और डीएम एसडीएम के नौकरी के तैयारी करा प्लीज। हमरे रानी के भाग से उहो मिल जाए, लेकिन अभी नौकरी छोड़ल ठीक नहीं खे। ना जाने कितना लोग छोट नौकरी के बड़ नौकरी के चक्कर में छोड़ देले और आज बेरोजगार बन के बैठल बाड़े। देखा अमित, हम तोरा से हाथ जुड़ के कहा था नी कि ई नौकरी के छोड़ दा और बड़का नौकरी के तैयारी करा प्लीज। ठीक बा, बड़ नौकरी मिल जाए तो ई नौकरी छोड़ दे पक्का। अरे का पक्का गच्चा, रउवा से कह रहल बानी ना कि हमरा के लेखपाल के वाइफ नहीं के कहलाए के, समझे नहीं के आवत रउवा के। अंजलि थोड़ा धीरे बोला, माई बाबूजी सुनिए तो का सोचे हैं। हमार जिंदगी बर्बाद हो रहल बा, सपना टूट रहल बा और रउवा के ई बड़ल बा कि केहू हमरा बारे में का सोच रहल होई। हमार कोनो फिक्र नहीं खे। अंजलि का भइल? अंजलि माई। हाँ बेटा। माई कांग्रेचुलेशन अमित जी, आप बाप बनने वाले हैं, ध्यान रखिए इनका। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी। हमार बिटिया के सपना तो पूरा होबे ना कई, ऊपर से ही बच्चा। हाँ माई, गोर लागत नी। अरे हम तोरा के का आशीर्वाद दे, हमरा के तो कुछो समझ में नहीं आ रहल बा। काहे का हो गई अंजलि? का तू यह सपना देख ले रहलू कि तू एगो लेखपाल के बीबी का हवा? बोला देखा अंजलि, अमित के हमेशा याद दिए ते रहिया कि ओकरा की जिंदगी भर लेखपाल के नौकरी ना करे के बा, ओकरा के कोनो बड़ा नौकरी करे के बा। अरे आज तो तू एगो लेखपाल के बीबी कहा बताड़ू। कुछ दिन में एगो लेखपाल के लड़का के माई कहेबू। हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आ रहल बा। अंजलि आज तू हमरा के ए दुनिया के सबसे बड़ा गिफ्ट देले बाड़ू। अब तू एगो प्यारी बीबी के साथे, सॉरी प्यारी वाइफ के साथे प्यारी मम्मी भी बने वाली बाड़ू। हे का भाई, तू हमनी के प्रीत के बंधन से आए वाला मेहमान से खुश नहीं खू का? बीवी बनब, माई बनब, ये तो संसार के रीत है अमित, बाकी हमारी सपना नहीं खे। तू का चाहता रो कि हमार होके वाला बच्चा ये परिवेश में जन्म ले, ये अभाव में पले बढ़े? हम नहीं खी चाहत कि हमार बच्चा ये छोट से गांव के घर में जन्म ले और तुहारो 20 साल पुराना टूटल फूटल स्कूटर पे बैठ के पढ़े जाए। हमार सपना बा कि तू बड़का डीएम बना, और जब तक तू बड़का डीएम न बनबा हमरा के कोनो बच्चा बच्चा न चाहिए। अंजलि हमने के गुड़िया अपना साथे अपन सौभाग्य लेके दुनिया में आई, जन्नू गुड़िया के मम्मी। तू पहले से ही सोच ले ले बड़ा कि गुड़िया ही आई। हाँ हमरे प्यारी गुड्डी जैसन वाइफ के अंगना में एगो गुड़िया ही आई, और वैसे भी हमके तो गुड़िया ही चाहिए। वाइफ, वाइफ के मतलब भी जाने ला? वाइफ के मतलब हमर जान, हमर प्यार, हमर संसार, हमर सब कुछ। हमार कुछ नहीं खे,
आज दुद्दू खुशी से अपन परिवार कितना खुश बा। माई, बाऊजी, पल्लवी, अगर वो लोग के पता चले कि तू ऐसा सोचतारू तो वो लोग के कितना दुख हुई। वाह, तोरा के अपन परिवार के खूब चिंता बा। हमार दुख हमार सपना के कोनो चिंता फिकर नहीं के। तोहर हर दुख हमार दुख, हर सपना हमार सपना। तोहर एक एक सपना के पूरा करे खातिर हम कुछ भी करब, ये हमार वादा बा। ए साथी, हाथ में हाथ मिलावा आ तुहू वादा करा कि प्यार के बंधन कब टूटे ना। पक्का? सच्चा?